एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में गुरुवार को किशोर न्याय अधिनियम जेजे एक्ट पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद के सभी थाने के बाल कल्याण अधिकारी एवं महिला एवं बाल अपराध संबंधी विवेचकों को किशोर न्याय अधिनियम, पास्को अधिनियम तथा तंबाकू निषेध अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सभी पुलिस के अधिकारी बच्चों के मामले को संवेदनशीलता से लें, चाहे वह बच्चा देखरेख व संरक्षण के लिए हो या बाल अभिचारी हो। उनके साथ आप सभी का व्यवहार अपने सगे बच्चों की तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा, कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता। जो बाल हित के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी, सभी के साथ समन्वय बनाकर ही कार्य करें एवं विशेष करके देखरेख संरक्षण वाले बच्चों को बाल कल्याण समिति के समन्वयन में कार्य करें। इस अवसर पर यूनिसेफ के मंडलीय बाल सुरक्षा अधिकारी नीरज शर्मा, मानव सेवा संस्थान सेवा के निदेशक राजेश मणि, डॉक्टर मुमताज खान, इंस्पेक्टर बेलीपार नीरज राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, गुटका का मतलब है मुझे शीशे याद नहीं आ रहा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोविजन जो है एम, ठीक है। तो इसके नियम चार के अंतर्गत, सेक्शन चार के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का प्रतिबंध है और उसके लिए आप कक्षा अधिकारियाँ चालान करने के लिए आपको 300 रुपये तो गेट पर बाकायदा 100 रुपये का चालान दिए गए, उसको रसीद दी गई। विद्यालय के चारों ओर 100 मीटर की रेडियस में, कई जगह 100 मीटर लिखा, कई जगह 100 मीटर लिखा है, मैंने कई स्रोतों से पढ़ी हुई क्लियर हो जाए। 100 मीटर है, 100 मीटर इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँ की सेफ सिटी सेवन में ये है कि नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा करने के लिए पनिशमेंट है, ठीक है। बच्चों के लिए बाहर का मतलब नशा दिया आदि तो फला सामान के लिए छोड़िया के लिए आप फला दिया फला आदमी को दे, ठीक है। इन गुरुपा से संबंधित प्रोविजन्स मुझे आपको बता रहे थे, इसके बारे में बुकलेट के बारे में आप सीएमओ से संपर्क कर सकते हैं। एक अब आपके लिए आज का तौर पर क्या बॉक्सो ये देश के इम्पोर्टेंट प्रोविजन्स के बारे में बताया जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये सेम पेज जो है आपका खत्म हो गया, और चूंकि जो विषय है जेजे एक्ट और पॉक्सो ये अपने आप में बहुत ही लार्ज विषय है, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जहाँ पुलिस का फोकस है, जहाँ पुलिस का सीधा सीधा रोल बनता है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उस पर हम लोग आज फोकस रहेंगे। दूसरा जो आप लोगों के आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सेशन, ये ट्रेनिंग सेशन पूरा एक इंटरेक्टिव होना चाहिए, कि आपके अंदर जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी सवाल आता है आप पूछें, हम लोग सवाल जवाब का भी सेशन रखेंगे। हमारे बीच में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और लॉयर्स बैठे हुए हैं, हम लोग भी लगभग पिछले 11 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं इससे पहले दिल्ली में लगभग 10 साल था, इसमें सुधार कर सकते हैं। और ये जो आप लोग एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते होंगे, अगर तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो क्राइम्स का हाल है उनके लिए, बच्चों के लिए समय समय पर स्पेशल लॉज लाए गए, और आज तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये साफ साफ है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब स्पेशल लॉज लाए गए हैं तो सभी लॉज को सुपरसीड करता है।
कोई बच्चे का मुद्दा आया आपके सामने तो बच्चे के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ बना है तो पहले उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी, फिर उससे रिलेटेड और भी कोई लॉ है तो वो कनेक्ट होगा, ठीक है, उसमें भी आप लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने चैलेंजेस अपने सवाल जरूर आ जाएंगे। पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल कल्याण संगठन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में थाने के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं पोक्सो एवं महिला उत्पीड़न संबंधी अभियोगों के विवेचकों को बुलाकर यहाँ पर जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट तथा तंबाकू निषेध अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराधों के संबंधित एक ये प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी विवेचकों को बच्चों से कैसे व्यवहार करेंगे, बच्चों के पीड़ित होने की स्थिति में या कोई बच्चा अपराधी है तो उस स्थिति में कैसे उनसे डील करेंगे, इस बारे में भलीभांत इनके लिए समझाया गया। उक्त आयोजन हेतु हमने जनपद के कानून के क्षेत्र तथा बच्चों के विकास के क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट तथा एनजीओज के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। उन एनजीओज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे सभी थाने के पुलिसकर्मी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चों के प्रति और संवेदनशीलता से पेश आएंगे, इसी उद्देश्य को लेकर ये ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना अपराध है, शमनयोग्य अपराध है, तो इस संबंध में जो है कार्रवाई चलती रही है, इस संबंध में सबको जागरूक किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ वो तो एमबी एक्ट का प्रोविजन में भी कवर होगा वो।